बाइक जब पुरानी हो जाती है गाइस, तो उसके धीरे धीरे सभी पार्ट्स सड़ने लगते हैं। जैसे टैंक सड़ जाता है, तो कहीं पे चेचिस सड़ जाता है, तो इस तरह से व्हील भी सड़ जाते हैं। तो इस तरह से सभी बाइकों के कुछ कुछ पार्ट्स सड़ने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी तरह के सड़ी हुई बाइकों के जो पार्ट्स बचे हुए थे, जैसे चेचिस हो गया, टैंक हो गया, इन सभी पार्ट्सों को मिला करके एक बाइक बनाया है जो कि काफ़ी यूनिक है। वो बाइक बिल्कुल खूबसूरत लग रही है देखने में, यूनिक बाइक लग रही है। तो फिलहाल अभी हम उस बाइक के टैंक पर एक स्टिकर इंस्टॉल करने वाले हैं बना करके, और साथ ही साथ पूरी बाइक में हमने स्टिकरिंग किया है। तो फिलहाल अभी वो स्टिकर देख लेते हैं, उसके बाद आपको उस बाइक का पूरा डिटेल्स बताते हैं और कौन सा पार्ट्स कहां पे लगाया है, कौन सी बाइक थी, सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो आप टैंक देख पा रहे हैं, इसके ऊपर से हम एक पतला सा यहाँ पर स्टिकर लगाएंगे जो कि चेस डिज़ाइन, जिसको आप शतरंज भी कह सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे सिस्टम पे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बीट टाइप में लगाएंगे, और इसका कलर फ्रेंड्स ब्लैक और जो टैंक का कलर है वो होगा। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो टैंक आप देख पा रहे थे, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं टैंक, तो ये जो है रॉयल एनफील्ड का टैंक है, जो कि हमने जो बाइक बनाया है उसी बाइक पर इस टैंक का हम वहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो मेडगार्ड है वो देखने लायक होगा, क्योंकि उसको हाथ से पीट के चदरा को बनाया गया है, जो कि मेडगार्ड के डिज़ाइन में उसको ढाला गया है, और जो है काफ़ी अच्छा वो देखने में लग रहा है। बिल्कुल देसी जो है अंदाज में वो मेडगार्ड बना है। तो बाइक भी एक अपने में यूनिक देसी मॉडिफाई है। तो वीडियो को आप जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हमने बताया भी है कि कौन से पार्ट्स कहां से लिया गया है और बाइक कौन सी थी, सारा कुछ हम वीडियो के एंड में बताएंगे। और ये जो आप डिज़ाइन देख पा रहे फ्रेंड्स, ये टैंक के साइड में लगेगा, और इसी तरह के डिज़ाइन हमने पैनल पे लगाया है, जो कि पैनल भी चदरा को काट करके बनाया गया है, और उसमें भी हम इसी तरह का डिज़ाइन लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, जो बाइक अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये जो टैंक है जिस चेचिस के ऊपर लग करके बाइक बनने वाली है, हम आपको बता दें कि वो बाइक का जो चेचिस है वो सीडीडॉन हीरो की जो हीरो कंपनी की जो बाइक होती है सीडीडॉन, उसी की चेचिस बची हुई थी। तो उसी को हमने जो है यहाँ पर एक बाइक बना डाला है रॉयल एनफील्ड के टंकी लगा करके, और व्हील जो है वो हमने परचेज किया है, खरीद करके लगाया है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम मडगार्ड में इसको डिज़ाइन लगा रहे हैं। यहाँ पर से हमारा सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने शॉर्ट में दिखा दिया। और यहाँ से फिर अभी आपको हम जो सारा डिटेल्स जो है इस बाइक के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है कस्टम बाइक है, और पूरी तरह से ये रीमॉडलाइट किया हुआ है। और ये जो पहले जो बाइक थी, ये सीडीडॉन जो है हीरो कंपनी की आती है, हीरो होंडा की थी, तो वो बाइक थी, और इसको जो है मॉडलाइज किया गया है। आप सामने से देख पा रहे हैं इसको जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मडगार्ड जो है ये चदरा काट के बनाया गया है, और इसका स्टिकर हमने किया है। और इसका जो व्हील है, यहाँ पर आप व्हील देख पा रहे हैं, ये व्हील एलॉय व्हील है, इसको अलग से परचेज करके यहाँ पे लगाया गया है, जो कि वहाँ भी लगाया गया है, पीछे और आगे दोनों तरफ लगाया गया है। और इसका जो टैंक फ्रेंड्स, ये टैंक देख पा रहे हैं, ये टैंक रॉयल एनफील्ड का यहाँ पर लगाया गया है। और इसमें जो डिज़ाइनिंग है वो स्टिकर हमने किया है, ये डिज़ाइनिंग हमने किया है। और इसका जो पैनल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पैनल चदरा काट के लगाया गया, आप देख पा रहे हैं मोटा है बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा सा फ्लैट लुक दिया गया है इसमें, हालांकि सभी में थोड़ा सा कर्व टाइप में रहता है, उभार रहता है, लेकिन इसको फ्लैट दिया गया, और स्पोर्ट बाइक के टाइप में इसको बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा अलग बनाया गया। और यहां पर आप देख पा रहे हैं सीट फ्रंट, तो ये सीट को भी अलग से बनाया गया है, और दो आदमी आराम से इसमें बैठ सकते हैं, इस हिसाब से बनाया गया है। स्पोर्ट लुक थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, साइलेंसर अभी चेंज नहीं हुआ है, साइलेंसर को चेंज किया जाएगा। और इसका जो हैंडल है, ये एफजेड का पुराना हैंडल जो लगाया गया, यहाँ पर भी पेंट होगा, और यहाँ पर एक स्पीडोमीटर लगेगा जो कि इसका लुक को और बढ़ा देता है। और हेडलाइट थोड़ा सा चेंज किया गया है, और ये जो आप लेगार्ड देख पा रहे हैं, ये अलग से इंस्टॉल किया गया यहाँ पे। और ये जो फुटरेस्ट देख पा रहे हैं, ये फुटरेस्ट थोड़ा सा अलग किस्म का यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए, तो ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छी यहाँ से देखने में लग रही है, कैमरे में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी,
लेकिन ऐसे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार फिर से आपको इस बाइक का हम फुल डिटेल्स आपको दिखा देते हैं। हमारे बनाने वाले जो मिस्त्री है वो यहाँ है, विजय जी, जानते ही होंगे, मेरे कई वीडियो में ये आ चुके हैं और अपना कलाकारी दिखा चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है और इसमें बहुत सारा अभी काम बाकी है। और इंडिकेटर देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर अलग से लगा हुआ है। तो मेडगार्ड का थोड़ा सा लुक ओल्ड है लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैशन टाइप में ये मेडगार्ड लग रहा है देखने में। तो फिलहाल एक लुक इसका और दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, पहले जो बाइक थी वो कैसी थी, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं चेचिस, ये पहले की बाइक थी और इसी बाइक को हमने रीमॉडलाइट किया है, जो है दिन रात एक करके, बड़ी मेहनत करके जो है इसको हमने बाइक को बनाया है। एक एक पार्ट्स को अलग अलग जगह से जो है उपाय करके, जिसको देसी भाषाओं में जुगाड़ कह सकते हैं, तो जुगाड़ करके जो है इस बाइक को हमने बनाया है, जो कि इस तरह से लुक दिया है और हमारे मिस्त्री बहुत मेहनत किए हैं। तो गाइस, इस बाइक के लिए और हमारे मिस्त्री के लिए इतने मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी बटन को भी दबा दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा।